जय हिंद सभी को। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक, आप लोग देख रहे हैं जल विद्युत परियोजना। आमतौर पर ताप विद्युत परियोजना के बारे में तो हम लोग जानते हैं क्योंकि भारत में तापीय विद्युत बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि भारत में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन तापीय विद्युत ही होता है, अर्थात कोयले और पेट्रोलियम आधारित। लेकिन आज हम लोग जल विद्युत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जल विद्युत में सब अलग अलग प्रकार की परियोजना बनाई गई। जल विद्युत अलग अलग परियोजना, जिसमें सबसे पहली परियोजना बनाई गई भाखड़ा नंगल, और भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी के किनारे पर है। जानकारी के मैं बता दूं, यह सतलज नदी के किनारे पर स्थित है और इसके बांध की ऊंचाई जो है, लंबाई जो है वो 225 मीटर है, और भाखड़ा नंगल परियोजना जल विद्युत की सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा नंगल परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उसी तरह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसी का पड़ोसी राज्य हरियाणा, उसी का पड़ोसी राज्य आप ले लीजिए राजस्थान, जैसे राज्यों को प्रभावित करता है। यानी जितने सारे ऊपर वाले क्षेत्र हैं वह सबका सब कौन प्रभावित करता है? सतलज नदी। फिर से मैं याद करा दूं, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आ जाए दिल्ली, उसके नीचे आ जाइए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे और उत्तर प्रदेश, उसके ऊपर ले लीजिए उत्तराखंड, इस तरफ चले राजस्थान, ये सारे जो है वो निश्चित तौर पर क्या करते हैं, ये सबका सब क्या करते हैं, तो प्रभावित करते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में ये जानकारी देता है। अब आगे बढ़ते हैं दामोदर घाटी। ये दामोदर घाटी क्या है उसके बारे में समझते हैं। जब लोग दामोदर घाटी के बारे में जानते हैं तो दामोदर घाटी बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया था। इसका लाभ बाढ़ से कौन ग्रसित है आप सभी को पता है, और दामोदर घाटी परियोजना में बाढ़ से जो होता है वह बिहार को, झारखंड को और पश्चिम बंगाल को इसे लाभ पहुंचता है। अगर बिहार में बाढ़ ना आए, आजकल तो लोग कहता है बिहार में बाढ़ बा नीतीश कुमार बा, लेकिन मैं कहता हूं बिहार में बाढ़ बा हाल बेहाल बा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बिहार का कमर तोड़ता है अर्थव्यवस्था का वह है बाढ़। सरकार करे तो क्या करे, हर साल नई सड़कें बनती है, हर साल तमाम तरह का व्यवस्थे किए जाते हैं, विकास को अपने साथ कोसी बहा करके ले जाती। अगर उससे बचना चाहें हम लोग तो हर साल बहा करके ले जाती है कोसी तमाम तरह के सड़कों को। मैं आपको जानकारी के बता दूं, कोसी जो है वो बिहार की शोक नदी है। तो दामोदर घाटी परियोजना, उसके बाद कोसी, कोसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, कोसी जल विद्युत परियोजना, और लगभग 20,000 मेगावाट बिजली तैयार करती है, जिसमें से आधा भाग नेपाल को देती है, शेष भाग अपने बिहार रख लेता है। कोसी को सबसे तेजी से अपना रास्ता बदलने वाली नदी कोसी ही है, जिसके कारण अपनी धारा बड़ी तेजी से बदलती है और बिहार को काफी नुकसान पहुंचाती है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी है। रिहन परियोजना सोन नदी पर है, यह उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है। हीराकुंड महानदी पर है, उड़ीसा में यह बांध बनाया गया, परियोजना बनाई गई है महानदी पर, हीराकुंड बांध बनाया गया, हीराकुंड परियोजना बनाया गया। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, हीराकुंड बांध विश्व की, दुनिया का सबसे लंबा बांध है और 4801 मीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़ेंगे, अगला है चंबल। चंबल घाटी परियोजना के बारे में बताऊं, राणा प्रताप सागर बांध है जो गांधी सागर पर स्थित है, जो कोटा में, और ये तीनों जो बांध है चंबल नदी पर ही है, और ये राजस्थान मध्य प्रदेश को प्रभावित करती है। मैं बात करूं तुंगभद्रा नदी की, तो तुंगभद्रा नदी के बारे में हमें पता चलता है, तुंगभद्रा नदी कहता है कि यह कृष्णा की सहायक नदी है और यह कर्नाटक में पाया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना तुंगभद्रा ही है। मैं आपको ये भी बता दूं, कर्नाटक का आंध्र प्रदेश के सहयोग से यह बना है। सारावती परियोजना, सारावती नदियों पर कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे तमिलनाडु राज्यों में यह जुड़ा होता है।